आज हम बात कर रहे हैं धोबी पचाड़ एक्सरसाइज के बारे में हमारा दावा है इसके सारे फायदे जानने के बाद आप भी नियमित रूप से इसका अभ्यास शुरू कर दोगे तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने की विधि दोनों पैरों को खोल कर श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाए और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जैसे कि वीडियो में श्रोत जी आपको करते हुए दिखाई दे रही हैं आइए जानते हैं अब इसके ज़बरदस्त लाभ इसका पहला लाभ हमारी कमर के लिए यह एक्सरसाइज वरदान है हमारी कमर के किसी भी पार्ट में दर्द हो यह एक्सरसाइज पूरा लाभ देती है हमारी रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल या फिर टेलबोन सभी पार्ट्स को यह एक्सरसाइज बहुत लाभ पहुंचाती है इस धोबी पछाड़ एक्सरसाइज से हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और जितनी हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी लचीली होगी उतना ही हम स्वस्थ होंगे मोटापे को कम करने के लिए यह एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है प्रतिदिन इस एक्सरसाइज का अभ्यास करने से बैली फैट और दूसरे सभी ऑर्गन्स में जमा फैट बर्न होती है और यह एक्सरसाइज मोटापे से मुक्ति दिलाती है इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने से हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है उनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है जिससे श्वास संबंधी समस्याएं दूर रहती हैं दमे के रोगियों को भी इस एक्सरसाइज से विशेष लाभ मिलता है प्रतिदिन इस एक्सरसाइज के करने से आँतों की सफाई होती है आंतों में जमा जो गंदगी होती है मल होता है सामान्यतः वो आँतों में चिपका रहता है किंतु इस एक्सरसाइज से वो अपना स्थान छोड़ देता है और आंतों की सफाई हो जाती है इस एक्सरसाइज को करने से हमारी डाइजेशन पावर बढ़ती है और भूख भी खूब खुल कर लगती है सर्वाइकल के रोगियों को इस एक्सरसाइज से बहुत लाभ मिलता है इस धोबी पछाड़ एक्सरसाइज को करने से हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है जिससे नए नए न्यूरॉन्स का ब्रेन के अंदर निर्माण होता है और जिससे स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है साइटिका के रोगियों के लिए यह एक्सरसाइज बहुत लाभदायक है बच्चों का कद बढ़ाने में यह एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी पर काफ़ी खिंचाव पड़ता है और जिससे शरीर को लंबा करने में बहुत लाभ मिलता है इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से जो पुरुष और महिलाएं करते हैं उनका शरीर सुंदर व आकर्षक बनता है उनके चेहरे पर विशेष निखार आता है ओज व तेज में बढ़ोतरी होती है गर्दन पर जमा फैट भी इस एक्सरसाइज को करने से कम होता है और थायराइड के रोगियों को भी इससे काफ़ी लाभ मिलता है हाथ और पाँव के साथ साथ शरीर के सभी अंगों को यह एक्सरसाइज मजबूत और दृढ़ बनाती है अब हम बात करते हैं उन सावधानियों के बारे में जो इस एक्सरसाइज को करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए उच्च रक्तचाप के रोगी और तीन माह से अधिक की गर्भवती महिलाएं इस एक्सरसाइज को विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें जिनको चक्कर आते हैं वो इस एक्सरसाइज को ना करें वीडियो को अपने इष्ट मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके योग रोग दूर करे और काया सुखी बनाए जो योग आसन अपनाए वो निरोग हो जाए वो निरोग हो जाए सबके भले में अपना भला हो इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम मित्रों